स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूँ लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। जैसा कि सब लोगों को पता है कि परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं 85%, और जो नहीं हुई हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके आधार पे अगले साल का जो सत्र सेशन होता है वो काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कैलेंडर जो था वो जारी कर दिया है 2020-21 के लिए कि कैसे यूनिवर्सिटी काम करेगी, कब एडमिशन लास्ट डेट क्या होगी, कब से क्लासेस चलाई जाएं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंक्लूजन करेंगे। तो यूपी स्टेट जो भी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे अवध विश्वविद्यालय हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर बरेली में, जो कुछ भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, सभी में 4 अगस्त से कक्षाएं चलाना प्रारंभ होंगी। हाँ, ये कहा गया है कि जो भी कंटेंट अभी प्रोवाइड किए जाएं, जो भी क्लासेस चलाई जाएं, वो सब ऑनलाइन हो। तो 4 तारीख से, मतलब 4 अगस्त से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों की क्लासेस चलेंगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ के। सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं सबकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सारी क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि सारे विश्वविद्यालय अब तैयारी में लग गए हैं कि जल्द से जल्द सेशन हमारा स्टार्ट हो और लेट ना हो। और जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष को छोड़कर 4 अगस्त से कक्षाएं चलाई जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को छोड़कर। इसके लिए 13 जुलाई से ई कंटेंट तैयार करने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी को बोल दिया गया है कि 13 जुलाई से लगकर अपना कंटेंट बनाएं, और कैसे टीचर को बुलाना है, कैसे मेंटेन करेंगे, कहाँ पे होस्ट करेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास चलाएंगे या ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलाएंगे या फिर टीवी चैनल्स में किस माध्यम से चलाएंगे, तो वो सब 13 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक यूनिवर्सिटी को, सभी को निर्देश आ गया है कि सभी को ये चीजें तैयार करनी है। और जो एडमिशन होने हैं वो 15 सितंबर तक फर्स्ट ईयर वालों के साथ साथ सभी की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो आपको प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया प्रथम 15 सितंबर तक रहेगी। फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो 15 सितंबर तक हर हाल में एडमिशन ले लें। जो लोग इंटर पास आउट हैं किसी भी ग्रेजुएशन स्कीम में या फिर किसी ग्रेजुएट कोर्स में, कहीं भी अगर इंटर होना चाहते हैं या फिर कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह है, जो भी कोर्स हैं, जैसे LLB वगैरह हो गया, BCOM, BSc, MSc, BSc एग्रीकल्चर, ये सब जो कोर्सेस हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सबके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। उसके बाद बहुत मुश्किल होगा कि एडमिशन हो, और ख़ास करके जो अवध विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि 15 सितंबर तक हर हाल में एडमिशन ले लें, क्योंकि अवध विश्वविद्यालय एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए पोर्टल खोलती है। अगर वहाँ पे UIN नंबर अगर आपका नहीं फिल हुआ 15 सितंबर तक, तो समझिए आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और अगर UIN कंप्लीट है तो 1-2 दिन का समय और रहता है कि आप कॉलेज में जाके वेरीफाई करा लें। तो जो लोग 12th पास आउट हैं वो अब इंतजार ना करें कोरोना से डरने के लिए, कि कोशिश करें कि एडमिशन ले लें हर हाल में, क्योंकि सेशन ना लेट हो। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है परीक्षाओं की वजह से, जो लोग का रुका हुआ है, उनका जो है 31 अक्टूबर 2020 तक प्रवेश ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका अभी रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया है। तो नए प्रवेशित जो स्नातक छात्र होंगे उनकी कक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। मतलब जो लोग इंटर के बाद ग्रेजुएशन में कोर्स करेंगे या फिर करना चाहते हैं, जो लोग एडमिशन लेंगे, उनकी जो क्लासेस होंगी वो 1 अक्टूबर से क्लासेस चलाई जाएंगी। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सेमेस्टर की कक्षाएं हैं वो 4 अगस्त से ऑनलाइन ई कंटेंट के माध्यम से क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ई कंटेंट को तैयार और उसे अपलोड करने के लिए विभागाध्यक्ष, डीन एवं कुलसचिव को लिए निर्देश दे दिया है राज्य विश्वविद्यालय ने। 31 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालय अपनी तैयारियां कर लें और विद्यालय भी अपनी तैयारी कर लें, जिनको जिस माध्यम से पढ़ाना है, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे या TV के माध्यम से, जो भी जिस तरह से भी पढ़ाना है आप लोग, ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक सब लोग तैयारी कर लें और 4 अगस्त से ऑनलाइन के माध्यम से सारी विश्वविद्यालय की कक्षाएं चलाई जाएं। और आगे के लिए एक चीज़ और ये बता दें अच्छी होने वाली है, कि जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ एनुअल परीक्षा ही होती थी, एक बार साल में एक बार परीक्षा होगी और प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद
चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आने वाला जो नया शैक्षिक कैलेंडर है, या जो कहें कि आगे 2020-21, जिसमें कोरोना की स्थिति, कोरोना इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, क्योंकि अभी WHO ने ये कह दिया कि कोरोना जो है वो हवा से भी फैल सकता है, वैक्सीन हमारे पास है नहीं। तो प्रॉब्लम ये है, जैसे कि बड़ी बड़ी और सारी बीमारियां, जैसे TB हो गई, पोलियो हो गया, चेचक है, तो ये सब चीजें भी किसी न किसी गवर्नमेंट में आई थी, इन सब की दवा बनी धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ये बीमारियां हैं, आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिख जाती हैं, किसी को TB हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, तो ये सब इसी तरह कोरोना भी रहेगा। तो कोरोना से इतना डर के काम, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखें। देखिए मेन चीजें हैं, अगर थोड़ा सा कोरोना पे ध्यान दें तो आप लोग, लापरवाही हम लोग बहुत कर रहे हैं। सिर्फ दो चीजें हैं, नॉर्मल सी चीज है, मास्क लगाओ, एकदम जरूरी, जैसे आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूरी है, वो आपकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए है। आप मास्क लगाओ, मेंटेन किए रहो दूरी, इतने चिपकने की क्या जरूरत है। अपने यहाँ इंडियन सभ्यता है, कोई वेस्टर्न कल्चर से तो है नहीं कि बस मिलते ही चिपक जाना है, तो वो सब चीजें इग्नोर करो थोड़ा सा। अब उतना बोलना वीडियो में ठीक नहीं होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हमेशा कहीं भी रहें ठीक है, प्यार मोहब्बत वो अलग चीज़ है, मतलब भाईचारा बनाए रखिए, लेकिन ध्यान रखें कि सबका सम्मान आदर करें, वो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि सबका पैर छूने से ही सम्मान निकलता है। ये थोड़ी अपने यहाँ जो कल्चर है, जो घरों में बच्चों को या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो पुरानी रीत रिवाज वाले हैं, वो सिखाते हैं कि जब तक झुक के अपने बड़ों का पैर न छुओ तब तक ये मानते हैं कि सम्मान नहीं करते। लेकिन जो आज का कल्चर है उसके हिसाब से जो सिचुएशन है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पैर छूने से ही सारा सम्मान झलकता है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके अंदर, आपके सामने वाले की, आपके सीनियर्स की, जूनियर्स की, जो भी हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट रखिए। चलिए छोड़िए, हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। तो जो हमारा शैक्षिक कैलेंडर है उसके हिसाब से अब जो है एनुअल परीक्षाएं नहीं होंगी, होंगी भी तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि कोरोना रहने वाला है, तो क्या होगा, मिड टर्म होगा, बैक पेपर परीक्षा संपन्न कराने की अंतिम तिथि जो अब इस बार होगी 5 दिसंबर तक करा ली जाएगी, जैसे पहले लेट होता था। और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष विशेष सेमेस्टर की वार्षिक जो परीक्षाएं संपन्न कराने की अंतिम तिथि हुआ करती थी वो 15 मार्च वार्च के आसपास करेंगे, तो ये सब चीजें इस तरह से करेंगे। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी अब मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, मतलब अब जो क्लासेस चलेंगी, जैसे BTC होता है, 2 साल का कोर्स है लेकिन हर 3 महीने पे सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसके आधार पे फिर जाके एक बार एनुअल एग्जाम होता है, वो सारे नंबर मिलते हैं, ठीक है, इंटरनल नंबर होता है, वो सब जोड़ के जाके आगे टोटल ग्राउंड टोटल बनाया जाता है। तो जैसे आपके ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल होता है और थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो थ्योरेटिकल पेपर साल में एक बार में होता है और प्रैक्टिकल भी एक बार होता है, अब ऐसा नहीं होगा, सेशनल होगा, असाइनमेंट मिलेगा उसका भी नंबर जुड़ेगा, सेशनल पेपर होगा 3 महीने 6 महीने पे उसका भी पेपर जुड़ेगा, ठीक है, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, कुछ बना के लाओ, जैसे कि प्रैक्टिकल होता है उसके भी नंबर, इस आधार पे आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं थी उसको तोड़ मरोड़ के कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसी स्थिति है हो सकता है अगले साल भी ना पेपर दिले को मिले। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए, UGC कह लें या फिर विश्वविद्यालय का जो बोर्ड है, उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जो परीक्षाएं हैं वो कई पार्ट में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी कराई जाएं, जिससे कि आगे इस तरह की अगर कोई समस्या आए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाएं, जो लोग 12th पास हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं वो लोग भी तैयारी में रहें, क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। अब मेहनत करना थोड़ा और ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि क्लास अटेंड करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, वो सारी चीज़ें हैं, अब उसको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पर नेट की क्या फैसिलिटी है, कैसे करेंगे और वेबसाइट कैसे रन होगी, वो सारी टेक्निकल अभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इतना ईजी जॉब नहीं है ऑनलाइन क्लास चलाना, कुछ क्लासेस चल रही हमारे कॉलेज में, हमें देखते हैं इतना इजी नहीं है और इतना इंटरेक्ट भी नहीं होते, ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल कॉलेज आके तो पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, अब घर पे अपने आप बैठ के कैसे पढ़ेंगे, वो भी फोन पे, वो भी टीवी पे, जहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मोदी गवर्नमेंट या मोदी जी खुद कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना है, अब सच में अपने बारे में अपने आप को खुद से सोचना पड़ेगा, सिर्फ टीचर पे, बुक पे, किताब पे, यूनिवर्सिटी पे, क्लासेस पे डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा। अब आपको खुद सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कि रिजल्ट कैसे आएगा, नंबर कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं।
कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अभी तो कोशिश यही कर रहे हैं, सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें।